सुनिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, कलयुग कब खत्म होएगा। एक बात पहले आपको मैं बताता हूँ, कलयुग शुरू कैसे हुआ। जब युधिष्ठिर जी अपना राजपाट छोड़ के जब जा रहे थे, तब उन्होंने अपना सब राजपाट राजा परीक्षित को दे दिया था। एक बार सत्य और पृथ्वी बात कर रहे थे। एक तरफ सत्य एक लंगड़ा भैंस बना था और एक तरफ पृथ्वी गाय बनी थी। तो भैंस की माँ ने सत्य ने पूछा, तुम क्यों रो रही, मैं लंगड़ी हूँ जो। पृथ्वी ने बोला, नहीं, पहले जब मेरे ऊपर कृष्णा जी के पाँव पड़ते तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी। अब मुझको लगता है कि मेरा सौभाग्य चला गया है। तभी कलयुग आया और उसके सिर पर एक गदा हिच के मारा। तो अभी राजा परीक्षित था, अब तो आप जानते हैं राजा परीक्षित बहुत है। राजा परीक्षित जब उनको देखे कि ये राक्षस इन नादान और निर्भय को मार रहा है, तो मैं कैसे रुक सकता। उनने अपनी तलवार निकाली और उनको मारने दौड़े। तभी वो ऐसे ऐसे करके कली वो आगे और राजा परीक्षित पीछे पीछे थे। तभी राजा परीक्षित उनके जैसे ही तलवार, तो उनने कहा, राजा माने राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य से निकल जाओ वरना मैं तुमको मार दूंगा। मैं बोला, कलयुग ने बोला कि पूरी पृथ्वी आपकी है, मैं कहाँ रहूं। तो उनने बोला, सुनिए उनने बोला कि जाओ, हाँ, लड़कियों का सम्मान ना होता हो और मधुशाला और चुबा जाओ। तो वो आपको चार जगह दिए, तो कहे मुझको और जगह जाना। तुमने बोले सोना, मैंने कलयुग ने बोला सोना।